नागिन सेवन को लेकर सुम्बुल तौकीर खान ने तोड़ी चुप्पी। क्या प्रियंका हुई नागिन सेवन को लेकर कंफर्म? जी हाँ, क्या ही पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वह बिग बॉस 16 के घर के अंदर जब एकता कपूर गई थी तो उन्होंने अनाउंस किया था कि नागिन सेवन के लिए वो किसी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को लेती हुई नजर आए, हालांकि उन्होंने नाम साफ नहीं किया था। जी हाँ, और बिग बॉस के घर से बाहर ऐसी खबरें आ रही थी कि सुम्बुल तौकीर खान जो है वो नागिन सेवन में हमें नजर आने वाली है। वह हाल ही में सुम्बुल तौकीर खान से जब नागिन सेवन को लेकर पूछताछ की गई तो सुम्बुल कहती हुई नजर आई, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि लोग ऐसा मान रहे हैं कि मुझे नागिन ऑफर किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मैं नागिन में कोई रोल करूंगी भी तो वो यंग नागिन का होगा। हालांकि ये स्क्रीन पर कैसा दिखने वाला है ये तो एकता मैम के हाथ में है, लेकिन अगर प्रियंका ये शो कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा शो है और उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, यहाँ पर सुम्बुल जो है उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि उन्हें नागिन सेवन अभी तक ऑफर नहीं किया गया है, और अगर शो में वो नागिन का किरदार निभाती हुई नजर भी आ सकती है तो वो एक यंग नागिन का किरदार निभाएगी। जी हाँ, इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रियंका का नाम भी जुड़ रहा था नागिन सेवन को लेकर, और ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रियंका जो है वो नागिन में लीड नागिन का किरदार निभाने वाली है, और अब जब सुम्बुल ने भी इसके लिए इनकार कर दिया है तो ऐसे में ये इशारा सिर्फ प्रियंका की ओर हो रहा है कि क्या प्रियंका ही शो में लीड नागिन का किरदार हमें निभाती हुई नजर आ सकती है। वह आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और टेलीविजन से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।